देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर के मार्गदर्शन में पुलिस नशे के खिलाफ जागरूकता के तमाम उपाय अपना रही है। शहर के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ड्रग्स फ्री इंदौर अभियान के अंतर्गत समन्वय बैठक द्वारा स्कूल, बस्ती आदि में पहुंचकर भी क्षेत्र के वरिष्ठ जनों, युवाओं एवं नाबालिग बच्चों को इसके दुष्परिणाम के प्रति जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में एडिशनल DCP इंदौर राजेश रघुवंशी एवं एडिशनल SP जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में पुलिस नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाते हुए संस्था समृद्ध के तत्वाधान में नंदबाग स्थित करियर एकेडमी में सोमवार शाम को क्षेत्र के नागरिकों के साथ समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। संस्था समृद्ध के अध्यक्ष लकी अवस्थी ने मीडिया से चर्चा में बताया कि नशे के दुष्परिणाम किसी से छिपे नहीं होते। आज के समय युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में फंस रहा है। नशे की लत उन्हें अपराधों की तरफ भी ले जाती है। ऐसे में पुलिस अब बस्तियों और कॉलोनियों में जाकर नशे से युवाओं को दूर करने की समझाइश दे रही है। इसी तारतम्य में एडिशनल SP जयवीर सिंह भदौरिया संस्था समृद्ध के तत्वाधान में नंदबाग स्थित करियर एकेडमी में आयोजित समन्वय बैठक में पहुंचे। यहां पर उन्होंने लोगों को बताया कि नशे के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। युवा और नाबालिग आज नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें सही रास्ता दिखाएं। श्री भदौरिया ने कहा कि नशा आजकल दवाई के फॉर्म उपलब्ध हो रहा है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। नशा शरीर का तो नाश करता ही है, साथ ही अपराधों की तरफ ले जाता है। कभी भी नशे की लत अचानक नहीं लगती, धीरे धीरे लोग इसके चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास किसी को नशे की गिरफ्त में फंसा देखे तो उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करे और उसे इसकी गिरफ्त में आने से बचाए। एक बार नशे की लत लग जाती है तो फिर उसे सही रास्ते पर लाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। नशा करने से केवल स्वयं का ही नुकसान नहीं होता, बल्कि पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक हर तरफ से आप और आपका परिवार परेशान होता है। नशे की लत पूरी करने के लिए युवा गलत राह पर भी चले जाते हैं, ऐसे में वह अपराध भी करने लगते हैं। इस अभियान में पुलिस ने नारा दिया है कि ड्रग्स फ्री इंदौर। इस नारे के पीछे पुलिस की मंशा है कि कोई भी अगर उन्हें नशा करने के लिए कहता है तो उसे मना करें, उसे भी बताएं कि वह भी नशे का उपयोग ना करे, नशा बेचने वालों की जानकारी दे, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। एडिशनल SP जयवीर सिंह भदौरिया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नशे बेचने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्यवाही करती है। इसके साथ ही अब पुलिस ऐसी बस्तियों में जाकर नशे से दूर रहने के लिए जागरूक भी करेगी। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने भी नशे के विरोध में अपनी अपनी बातें रखी। कुछ लोगों ने कहा कि स्कूल छूटते ही बाहर नशा बेचने वाले सक्रिय हो जाते हैं, पुलिस को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं क्षेत्र में चल रहे चाय सुट्टा बार पर भी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं इकट्ठा होते हैं और नशा करते हैं। इन चाय सुट्टा बार पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। संस्था समृद्ध के अध्यक्ष लकी अवस्थी ने बताया कि नशा बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्षेत्र के व्यापारियों एवं संस्थाओं के सहयोग से क्षेत्र के चौराहे चौराहे पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए जन सहयोग भी किया जा रहा है, जिससे नशा बेचने वालों की पहचान हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। आज आयोजित समन्वय बैठक में मुख्य रूप से वीर सिंह यादव, अर्जुन चौधरी, बंटी ठाकुर, अशोक मानावत, प्रेम जोशी, गन्नू यादव, कृपा शंकर मिश्रा, बबलू जोधा, समृद्ध अवस्थी, योगेश डांगे, राकेश बुंदेला, महेंद्र यादव, अरविंद मौर्य एवं विनोद लववंशी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिक उपस्थित थे। तो जो मैंने इंदौर का असली इंदौर है वो इन क्षेत्रों में बसता है और बहुत नज़दीक से देखा, परदेसीपुरा हो, बाणगंगा हो, हीरा नगर, तीन थाने आते थे, बहुत ही जुझारू रक्षा समिति है। अभी हम
यहाँ इस परिचर्चा इस ओपन प्लेटफॉर्म पे संवाद पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हम चिंतन कर रहे हैं। ये समस्या तब भी परिलक्षित होती थी, लेकिन अब इसका रूप व्यापक हो गया। पहले कुछ चिन्हित गुंडे होते थे, चिन्हित बदमाश होते थे, जो कि शराब का सेवन करके या कुछ आसानी से उपलब्ध होने वाला नशा वो करके वारदात करते थे। अभी जैसा कि इसका स्वरूप बदला है, लोग दवाई के फॉर्म में कई प्रोसेस जो कि जहाँ पे दवाई कंपनी में जहाँ दवाई बनती थी वहाँ अब ये ड्रग्स बनने लगा। जैसे टैबलेट फॉर्म में अभी तो वो काम छोड़ के MD जैसे आपने नाम सुना होगा, ये बाकायदा प्रोसेस फॉर्म में बनती है। छोटा सा क्या होता है कि जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे, आज जैसे SSP है, कोई सिपाही या कोई भी, जब तक हम लोग, जैसा भैया ने बताइए, मैं कहता हूँ कल आप समय निकाल लें, आपके साथ मैं पूरा जितने लोग खड़े हैं हम थाने चलेंगे, पर कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, हम आपके भी खड़े हैं, हम चर्चा करें बोलें, इससे कुछ नहीं होगा, जागरूकता लाना पड़ेगी, हमको हमारे बच्चों को भी देखना पड़ेगा, हमको एकत्रित एक मुट्ठी बनकर एक होना पड़ेगा। भैया ने बोला, उसने बोला, उससे नहीं, कभी भी चीज हो, आज हम जब तक हम इकट्ठे होकर नहीं जाएंगे जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आम लोग एकता बनाए करें, हम आप लोगों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। और सर, ड्रग्स फ्री इंदौर, इसको लेके पुलिस प्रशासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के साथ एक बैठक संस्था समृद्ध के माध्यम से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नंदबाग में आयोजित की गई है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के सुझाव आए हैं और ड्रग्स फ्री इंदौर करने के लिए पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी के साथ कदम उठाने जा रहा है? ये मुहिम लगातार जारी है और ये संस्था समृद्ध के साथ में दूसरी बैठक है, उससे पूर्व संगम नगर में एक बैठक की जा चुकी है। मुद्दे निकल कर आए हैं जो कि आम जन के बीच में से निकल कर आए हैं। मुद्दे ये जो हैं उस पर पुलिस लगातार चिंतन और कार्रवाई कर रही है। महत्वपूर्ण ये है कि लगातार इसके लिए अवेयरनेस और सजगता है। विभिन्न जो ऐप पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं वो लोगों को जानकारी में आए, जिससे कि सूचना का जो संचार है तेज़ी से हो सके, और जो अंदर की समस्याएं हैं, जो कि चौराहों की समस्याएं हैं, जो कि छोटी छोटी हाट बाज़ार की समस्याएं हैं, जिसमें मोबाइल चोरी की समस्या भी सामने आई है, उस पर भी हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की है। एक बहुत ही अच्छा सुझाव जो CC कैमरा लग के समझ में आया है और सभी लोग ने आगे बढ़ चढ़ के इसमें योगदान कर रहे हैं, इसको भी हम एक अमली जामा पहना कर पूरा कानूनी रूप से इसमें किस तरीके से हम एक संघर्ष समिति बनाकर और इसको लगवाएंगे, और जिससे कि एक आमजन को काफ़ी इसमें सहूलियत हो। स्कूलों के आसपास चाय सुट्टा बार खुले हुए, उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम ये जो ड्राइव है, इसको बहुत जल्दी, जैसा कि स्कूल जल्दी खुलने वाले हैं, अभी खुलना ही थे जैसे कि, लेकिन कलेक्टर साहब के आदेश से बड़े हैं, हम इसमें एक टीम लगातार तैयार रखेंगे जो कि इन स्कूलों के आसपास जितना मूवमेंट है करेगी, और उसमें बीटों को विशेष निर्देश देंगे कि चाय सुट्टा बार है, जो ईव टीजर्स हैं, लड़कों के खड़े होने की जो समस्याएं हैं, और उस पर भी हम लोग सख्त कर रहे हैं। बैठक का आयोजन किया गया, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है, आम लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए। नशे को विरोध में ड्रग्स फ्री इंदौर बनाने के लिए किस तरह आप लोग सक्रिय भूमिका निभाने वाले हैं? मैं पहले तो धन्यवाद कमिश्नर साहब का देना चाहूँगा, जिनके द्वारा इंदौर ड्रग्स फ्री करने का संकल्प लिया गया है, उसी संकल्प के लिए जयवीर जी, एडिशनल SP रघुवंशी जी और प्रशासन का बड़ा सहयोग मिल रहा है। सबसे पहली मीटिंग संगम नगर में रखी गई थी, उसी मीटिंग के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं मल्लारगंज थाने में ड्रग्स पकड़ी गई, बाणंगा थाने में ड्रग्स पकड़ी गई, कहीं ना कहीं जनता और प्रशासन के बीच समन्वय का भाव आ रहा है। और मेरा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक प्रशासन और जनता का एक समन्वय नहीं होगा, आप इंदौर को हम लोगों ने ही पूरे भारत में कचरा मुक्त करा, हमें और प्रशासन भी ये चाहता है कि पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हमारा जो इंदौर शहर है, जो आने वाली पीढ़ी बिगड़ रही है, उसके लिए प्रशासन बड़ा सख्त है। वो चाहता है कि इंदौर में समय ड्रग्स जैसी चीज़ें और नशे जैसी जो अवैध चीज़ें हैं वो ख़त्म हो, उसके लिए हम लोग भी संकल्पित हैं। समृद्ध संस्था के माध्यम से कहीं ना कहीं जो युवा लोग हैं, जो संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो इंदौर में हर वार्ड में, ये मान के चलें कि हर वार्ड में इसको संकल्प लिया जाएगा, हर वार्ड में जनता तक प्रशासन को लेके जाया जाएगा, और कहीं ना कहीं हमारा भी संकल्प है कि हमारे बच्चे, हमारे शहर के बच्चे इन नशा मुक्तों से मुक्ति पाएँ। और आज आपने देखा होगा कि जनता ये चाहती है कि सुट्टा बार और कहीं ना कहीं ये नाइट कल्चर,
इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, हमारे प्रशासन के लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंदौर के जो राजनेता हैं वो भी ये छुट्टा बार और ये नाइट कल्चर है उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए सहयोग देने की बात कही है, क्या कहना चाहेंगे? आप देखें, जैसे ही प्रशासन और समाज का सहयोग हुआ, समाज भी चाहता है कि थानों का इतना बल नहीं है, वो समझते हैं, इसीलिए व्यापारी लोगों ने आज यहाँ कम से कम 10 लोगों ने 1 से 1.5 लाख रुपए की घोषणा की है और आप निश्चित माने नंदबाग के आने वाले चौराहों पर जल्दी हम लोग इकट्ठित होकर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। उन सीसीटीवी कैमरों से यह लाभ होगा कि पुलिस प्रशासन को अपराधियों को पकड़ने में तत्काल सुविधा होगी और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा इस प्रकार की हर थानों में ये चीज़ें हो, मोहल्ला समितियाँ बने और कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग करें। अगर प्रशासन नहीं करेगा तो हम लोग कहीं ना कहीं संस्था के माध्यम से उग्र आंदोलन भी करेंगे और कहीं ना कहीं प्रशासन भी सहयोग में है।